नमस्कार अमरीजनों, आप देख रहे हैं सीयूटी पाठशाला। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जब से सीयूटी पीजी का एग्जाम डेट आया है, मैक्सिमम बच्चे बहुत ज्यादा पैनिक हो गए हैं। जाहिर सी बात है, अभी उनके फॉर्म ही फिलअप किए जा रहे थे और अचानक से आपका एग्जाम डेट आ जाएगा तो बच्चे जो है वो बेचैन हो जाएंगे, क्योंकि इनको तैयारी करने का समय तो मिला ही नहीं है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो फ्रेशर हैं, जो अभी अपेयरिंग में हैं, वो अपने यूजी का लास्ट सेमेस्टर का एग्जाम भी नहीं दिए हैं और फाइनली उनका एग्जाम होने जा रहा है फर्स्ट वीक ऑफ मार्च से। तो कहीं ना कहीं प्रशासन की एक मनमानी है और बच्चों के सिचुएशन को समझ नहीं रही है, क्योंकि बहुत बड़ा एक डिफरेंस होता है आपके सिलेबस में, सेमेस्टर्स के सिलेबस में और आपके जो एनटीए जो क्वेश्चन पेपर आते हैं उसमें। अगर ये सिलेबस सेम भी है तो भाई बच्चे 3 साल से पढ़ाई कर रहे हैं, उनको कम से कम रिविजन का मौका मिलना चाहिए। और कुछ कोर्सेज के तो सिलेबस जो है वो उनके यूजी से मैच भी नहीं करते। जाहिर सी बात है, ऐसे कोर्सेज के लिए तो भाई समय मिलना चाहिए, टाइम मिलना चाहिए, जिससे कि वो अपनी बेहतर प्रिपरेशन कर सके और अपना बेहतर प्रदर्शन कर सके और मन चाहे यूनिवर्सिटी में मास्टर्स के लिए अपना एक सीट तय कर सके। इसी बीच मुझे एक पुराने छात्र अपने यहाँ के, हेमंत नाम है, बड़ा अच्छा लाइन लिख के भेजा है एनटीए की वेबसाइट पे। मैं आप लोग को पूरा सुनाना चाहूंगा, आप लोग प्लीज इसको लास्ट तक सुनिएगा। इन्होंने कुछ शब्दों के माध्यम से अपनी भावनाओं को रखने की कोशिश की है। लिखा है, क्या ही हुआ तुमको अब, क्यों बदली बदली लगती हो, पहले देती थी बहुत धोखा तुम, अब क्यों इतनी स्ट्रिक्ट हो गई हो, पहले तारीख पर तारीख देकर एडमिट कार्ड भी तुम नहीं देती थी। ऐसा रहा है इनका, एडमिट कार्ड बहुत परेशान करते थे, देते ही नहीं थे। तो बोल रहे हैं, पहले तारीख पर तारीख देकर एडमिट कार्ड भी तुम नहीं देती थी, परीक्षा हो जाने पर तुम फाइनली एडमिट कार्ड दे देती थी। इतना परिवर्तन एक साथ कैसे, क्यों वचन की पक्की बनती हो, अब क्यों एक बार ही कहने पर परीक्षा शेड्यूल दे देती हो, हमको लगी थी आदत तुम्हारे, यहां स्लाइन बड़ा बेहतर हो रहा है, हमको लगी थी आदत तुम्हारे नखरे और धोखा खाने की, कुछ तो हम पर रहम करो, क्यों इतनी जल्दी है परीक्षा लेने की, एक बार छात्रों को तो देख लो, जो आस बेवफाई की लगाए बैठे थे तुमसे, बेवफाई की आस लगाए बैठे थे, जब तुमने दिया अपना शेड्यूल तब बेचारे हताश हुए बैठे हैं। परीक्षा फॉर्म की भी तो तुमने 3 बार तारीख बढ़ाई थी, इन लोगों ने अपने फॉर्म फिलअप कराने के लिए कि मैक्सिमम रजिस्ट्रेशन आ जाए, 3 बार डेट को आगे पोस्टपोन किया, एक्सटेंडेड किया था। उसी पे लिख रहे हैं, परीक्षा भरने की भी तो तुमने 3 बार तारीख बढ़ाई है, फिर परीक्षा एक बार में कैसे, क्या लोकसभा चुनाव ने कोई घुट्टी पिलाई है। देखो यहां पे पॉलिटिकल भी थोड़ा हो रहे हैं लोग, चाहती क्या हो तुम, एक बार स्पष्ट तो करो, लेकिन हर बार की तरह ये मजाक ना किया करो। यहां से लाइन और बेहतर होने जा रही है और ये बहुत लोग रिलेट कर पाएंगे। सेमेस्टर समाप्त हुआ नहीं, अभी लोगों के एग्जाम्स बाकी हैं, सेमेस्टर एग्जाम समाप्त हुआ नहीं, तुम बात मंगनी की करते हो। भाई आजकल शादियों के लिए भी कई रस्म होते हैं, हल्दी है, मेहंदी है, फिर जाके जयमाल और फाइनली शादी होती है। यहां पे तो भाई सेमेस्टर समाप्त हुआ नहीं, बात मंगनी की करते हो, सत्रीय परीक्षा तो होने देती, क्यों ये रूखा व्यवहार करती हो। लास्ट लाइन है, हुआ हमारे साथ धोखा यह अन्याय हमको चाहिए, इतनी जल्दी परीक्षा नहीं, एनटीए तेरी वही पुरानी बेवफाई चाहिए। लास्ट लाइन फिर से मैं पढ़ रहा हूं, हुआ हमारे साथ धोखा यह न्याय हमको भी चाहिए, इतनी जल्दी परीक्षा क्यों, एनटीए तेरी वो पुरानी बेवफाई फिर से चाहिए। कहीं ना कहीं बड़ा इन्होंने बड़ा मार्मिक तरीके से अपनी भावनाओं को रखा हुआ है। सो प्लीज आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ट्विटर लिंक है, यानी एक्स का लिंक है, आप लोग जाएं रीएक्स करें, जिससे कि प्रशासन तक हमारी बात पहुंचे और प्रशासन एटलीस्ट इस बारे में जरूर विचार करे कि ये जो डेट है इतनी जल्दी देने की कोई आवश्यकता नहीं है, बच्चों को रिविजन और साथ ही साथ प्रिपरेशन का थोड़ा मौका मिल सके। मैं आप सभी से निवेदन करूंगा,
आप लोग इस चैनल पे नए हो तो सपोर्ट जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और प्लीज इस वीडियो को तमाम लोगों तक पहुंचाएं और कमेंट करें कि इस पूरे कविता में, इस पूरे पोयम में वो कौन सी लाइन थी जो आपको सच में छू जाती है। मुस्कुराते रहें, बहुत सारी शुभकामनाएं हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज एवरीवन डू लाइक डू शेयर सब्सक्राइब दिस चैनल। हर हर महादेव।